देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला फेज बनकर तैयार। 12 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले कुछ सालों में सड़क मार्ग को लेकर परिवहन मंत्रालय ने काफी काम किए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की माने तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला फेज बनकर तैयार है। हालांकि इस पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई 1386 किलोमीटर है और जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये सड़क मार्ग दिल्ली को मुंबई से जोड़ेगा। जब आप इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से मुंबई जाएंगे तब राजस्थान होते हुए कई राज्यों से होकर आप गुजरेंगे, यानी ये दिल्ली से शुरू होकर MP, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए महाराष्ट्र तक जाएगी। इससे देश से जयपुर, कोटा, बड़ोदरा जैसे बड़े शहरों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। फिलहाल लोगों को सड़क मार्ग से दिल्ली से मुंबई जाने में 24 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इसके पूरे तैयार होने के बाद इससे जाने पर यह वक्त बिल्कुल आधा रह जाएगा, यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली से मुंबई जाने में महज 12 घंटे का ही वक्त लगेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 12 फरवरी को इसके पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसे बनाने में 25 लाख टन चारकोल का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इसे बनाने में 4000 इंजीनियर्स की मेहनत लगी है। गडकरी के मुताबिक इसके काम को बड़ी तेजी से ही किया गया है। एक समय ऐसा हुआ था कि महज 24 घंटे में ही 2.5 किलोमीटर तक सड़क बना दिया गया था। केंद्रीय मंत्री गडकरी के मुताबिक ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वहीं 50 किलोमीटर सिंगल लेन में 100 घंटे में सबसे ज़्यादा चारकोल भी यहीं डाला गया था। इसे भी वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही मानते हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी के मुताबिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कई सुविधाओं से लैस होगा। इस पर होटल, रेस्टरूम, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल के साथ कई दूसरी सुविधाएं भी मौजूद होंगी। इसके साथ ही दिल्ली से जयपुर जाने के लिए हाईवे पर फिलहाल जिस जाम का भयंकर सामना करना पड़ता है उससे भी पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। दिल्ली से मुंबई तक पूरे सड़क मार्ग पर हर 500 मीटर पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके जरिए इस एक्सप्रेसवे पर होने वाली अनहैपनिंग्स पर नज़र रखी जाएगी, साथ ही उसके प्रति तुरंत कार्रवाई करनी भी आसान होगी। बता दें कि इसका काम 9 मार्च 2019 को शुरू हुआ था। हालांकि कोविड के वक्त इसका निर्माण कार्य थोड़े वक्त के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब इसका पहला फेज बनकर तैयार है और लोगों को सेवा देने को आतुर है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।